Hello student, dear student, today we will learn in a grammar definition of pronoun with example and solve worksheets also. बच्चों आज हम pronoun के विषय में जानेंगे, उसकी definition with example और साथ में हम worksheet को भी solve करेंगे, ठीक है? तो let's see the definition of pronoun. प्रनाउन मीन्स सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? अ प्रनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन. मीन्स प्रनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे बोला जाता है. अ प्रनाउन इज अ वर्ड, प्रनाउन क्या है? प्रनाउन वह वर्ड है विच इज यूज, जो कि यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन. मीन्स नाउन के स्थान पे जिसे प्लेस करते हैं इज कॉल्ड प्रनाउन, उसे हम प्रनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है. इसमें प्रनाउन क्या है? ही. शी इज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है. तो इसमें प्रनाउन शी. इट इज अ न्यू कार, यह एक नई कार है. इट इज अ न्यू कार, इसमें प्रनाउन इट. They are players, वे खिलाड़ी हैं. They is a pronoun word. I am a boy, I is also pronoun word. You are my friend, तुम मेरे दोस्त हो. तो you and my both are pronoun words. Means आपको क्लियर हो रहा है कि जब हम नाम न लेके नेमिंग वर्ड में क्या होता है, हम नाम लेते हैं. जैसे कि मान लो ही की जगह पे अगर हम कहें कि राम इज अ टीचर, तो राम इज अ नेमिंग वर्ड. बट व्हेन वी कॉल, व्हेन वी सेज ही इज अ टीचर, तो ही इज अ यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम. ही इज अ यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम, सो वी कैन से ही इज अ प्रोनाउन वर्ड. सेम लाइक शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, शी की जगह पे अगर हम कहते हैं कि रीता इज़ अ ब्रेव गर्ल, देन टाइप रीता इज़ अ नेमिंग वर्ड. बट व्हेन यू विल से शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, इट मीन्स कि शी रिप्लेस फ्रॉम नाउन वर्ड रीता. शी क्या है? जो नाउन वर्ड रीता से रिप्लेस किया गया है. ठीक इसी तरीके से इट है, दे है, आई है, यू, माई, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं? प्रनाउन के. फिर से एक बार बता रही हूँ, प्रनाउन क्या होता है? प्रनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. अ प्रनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन. क्लियर? एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया. ही इज अ टीचर, जो ही है वो आपका प्रनाउन. She is a brave girl. She. It is a new car. ये एक नई कार है. They are player. वे खिलाड़ी हैं. I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. I. And you are my friend. You and my. Both words are pronoun. Examples. Okay. Let's see. Some worksheet. You can see worksheet number, exercise number A. First of all, we will see exercise number A. Filling the blank with I or me. इसमें आपको क्या करना है? हमें filling the blanks करना है और already करके दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. Filling the blank with I or me. Mom drove me to school today. Drove, drive का second form drove. Miss, mother ने मुझे drive करके कहाँ छोड़ा? School. Mom drove me to school today. Miss, जो मेरी mother है वो मुझे गाड़ी चलाकर कहाँ लेके गई? स्कूल. कब? आज. तो यहाँ पे देखो, मॉम ड्रॉव मी, जो मी वर्ड है वो क्या है? मुझे. अगर यहाँ पे होता मॉम ड्रॉव सुनील टू स्कूल टुडे, तो इस समय जो सुनील है वो आपका क्या होता? वो तो नेमिंग वर्ड है, तो नहीं होता. अब यहाँ पे सुनील की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मी. ठीक इसी तरीके से देखो, आई रियली वॉन्ट दैट चॉकलेट केक. आई मतलब मैं, और आई जो है क्या है? वो आपका एग्जाम्पल है प्रनाउन का. ठीक है, तो आई और मी इस एक्सरसाइज नंबर ए में वी विल सॉल्व आई एंड मी. आई रियली वॉन्ट दैट चॉकलेट केक, मैं वो चॉकलेट केक रियली वास्तव में चाहता हूँ.
एवरीवन इज हैप्पी फॉर मी. एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति. एवरीवन इज हैप्पी फॉर मी. प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए खुश है. व्हेन आई गेट होम आई एम गोइंग टू बेड. मीन्स जब मैं घर गया. व्हेन आई गेट होम मैं जब घर जाता हूँ. आई एम गोइंग टू बेड मीन क्या करने जाता हूँ. मैं सोने जाता हूँ. नेक्स्ट इज दैट प्रेजेंट फॉर मी. इज दैट प्रेजेंट फॉर मी मीन्स क्या वह मेरे लिए उपस्थित है. तो देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर ए में आई और मी से इसको भरा. ठीक है. नाउ लुक एक्सरसाइज नंबर बी. फिलिंग द ब्लैंक्स विद शी और हर. इसमें हमें क्या करना है. शी मीन्स गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं हम. और हर जो है जब उसका गर्ल्स में ही उसका उसकी उसके लिए करते हैं उसकी तब वहाँ पे हम हर यूज़ करते हैं. ठीक इसी तरीके से बॉयज़ के लिए ही एंड हिज हिम और गर्ल्स के लिए शी हर हर. ओके चलिए. हैरी रोट अ लव पोयम फॉर हर. हैरी रोट राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट. मीन्स ये जो है पास्ट में आपका टेंस चल रहा है. हैरी रोट अ लव पोयम फॉर हर. हैरी ने एक रोट मीन्स लिखा. क्या लिखा. अ लव पोयम मीन्स एक प्रेम भरा जो पोयम है कविता है किसके लिए लिखा उसके लिए. नेक्स्ट शी वेंट टू द मूवीज विद मेगुल. शी वेंट टू द मूवीज. वह जो है मूवीज किसके. शी जो है किसके. गर्ल्स के लिए शी वेंट टू द मूवीज. वह मूवीज गई किसके साथ. विद मुगल. ठीक है. नेक्स्ट डेबी हैड अ हेडेक. डेबी इज अ नेमिंग वर्ड. डेबी जो है उसके सिर में क्या था. हेडेक था दर्द सा. सो शी टुक मेडिसिन. इसलिए उसने जो है मेडिसिन लिया. डेबी मीन्स एक गर्ल है. हैड अ हेडेक उसके सिर में दर्द था. सो इसलिए शी टुक मेडिसिन. इसलिए उसने क्या लिया मेडिसिन दवाई ली. फोर्थ नंबर हैव यू टोल्ड. क्या तुम उसे बताओगे. हैव यू टोल्ड हर द गुड न्यूज़. क्या तुम उसे गुड न्यूज़ तुमने बताया. हैव यू टोल्ड हर द गुड न्यूज़. क्या तुमने उसको ये गुड न्यूज़ भी अच्छी खबर सुनाई बताई. नेक्स्ट द बुक वॉज वेरी इंजॉयबल टू हर. इंजॉयबल मीन्स आनंददायक. जो बुक है वो क्या थी. बहुत ही आनंददायक थी किसके लिए. टू हर उसके लिए. तो देखो बच्चों इसमें शी हर ये बोथ वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है. एंड बोथ वर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. हम जो है यहाँ पे जो है शी और हर का यूज़ कर रहे थे. ठीक इसी तरीके से इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन चेंज एंड यू कैन फिल विथ ही एंड हिज. आप चाहें तो ही और हिज के साथ भी इसको हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैरी इज़ अ नेम. तो हैरी रोट अ लव लेटर फॉर हिम या हिज फादर. इस तरह से भी हम कर सकते हैं. शी की जगह ही कर सकते हैं. ही वेंट टू द मूवीज विद मिगुल या फिर विद अमन. डैबी हैड अ हेडेक सो ही टुक मेडिसिन. हैव यू टोल्ड हिम द गुड न्यूज. हर की जगह हिम लगा दो. द बुक वॉज वेरी इंजॉयबल टू हिज. उसके लिए जो बुक है वो बहुत इंजॉयबल है. तो हम लोग ये शी और हर की जगह पे ही और हिज का भी यूज़ करके इसको भर सकते हैं. ओके लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर सी. इन एक्सरसाइज नंबर सी सेम लाइक मीन्स ही और हिम का यूज़ करना है. इसमें क्या करना है. जैसे अभी हमने ऊपर वाले एक्सरसाइज में शी और हर का यूज़ किया सेम उसी तरीके से सेम उसी पैटर्न पे वी विल गो एंड यूज़ ही एंड हिम. ओके रैंडीज सिस्टर. रैंडीज अपोस्ट्रोफी एस है. रैंडीज सिस्टर रिफ्यूज टू गिव हिम द पेपर. रैंडीज सिस्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया. रैंडी की बहन ने मना कर दिया. रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया. क्या टू गिव हिम उसको देने के लिए द पेपर. पेपर देने के लिए उसने उसको मना कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट व्हेन सेकंड व्हेन ही फेल आउट ऑफ द ट्रीज. व्हेन ही फेल आउट ऑफ द ट्री ही ब्रोक हिज आर्म. व्हेन ही फेल आउट ऑफ द ट्री. जब वह ट्री से बाहर गिरा ही ब्रोक हिज आर्म. उसने क्या किया उसकी आर्म को क्या कर दिया तोड़ दिया. ठीक है. नेक्स्ट डिड सैम टेल यू
क्या सैम ने तुम्हें बताया वाई ही डिड नॉट कम टू द पार्टी? वह जो है पार्टी में क्यों नहीं आया, क्या यह सैम ने तुम्हें बताया? आस्क हैगोप वॉट वी शुड ब्रिंग बैक फॉर हिम. आस्क हैगोप, हैगोप इज अ नेमिंग वर्ड. तो आस्क हैगोप मीन्स हैगोप से पूछो वॉट वी शुड ब्रिंग, क्या हम लोग को लाना चाहिए, बैक फॉर हिम, क्या उसके लिए हम लोग को वापस मतलब आना चाहिए, लाना चाहिए. ब्रिंग मीन्स लाना, बैक मीन्स वापस. आस्क हैगोप, आस्क करो, आस्क मीन्स पूछो या बताओ, वॉट वी शुड, हम लोग को क्या, ब्रिंग मीन्स लाना है, बैक फॉर हिम, उसके लिए क्या वापस लेकर आना है. नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द सेलिब्रेशन, मैंने उसको पूरा सेलिब्रेशन के बारे में बताया. तो इसमें हम लोगों ने क्या भरा, ही और हिम. ऊपर वाली एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज नंबर ए, वी हैव फिल आई और मी, एंड आई एंड मी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. इन एक्सरसाइज नंबर बी, वी हैव फिल she or her and both words are example of pronoun. Next, exercise number C, we will fill he or him and also these words are example of pronoun. Again, you will take a screenshot and write definition in your copy. Definition: a pronoun is a word which is used in place of noun is called pronoun. Example: he is a teacher, she is a brave girl, it is a new car, they are players, I am a boy, you are my friend. And jitne bhi highlighted words are example of pronoun. Dear student, you will write the definition of pronoun with example in your English copy and send your work on school software for correction your copy. Till then, take care, have a nice day.